वेलकम टू माय चैनल। इसको समझने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे 625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं और 9604 ये दोनों का इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेयरिंग बताते हैं। पेयरिंग किधर से करेंगे? पेयरिंग हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे। तो जैसे एक पेयर ये हो गया, अब एक के सिंगल डिजिट बढ़ गया तो इसका एक सिंगल पेयर हो गया। जो पेयर इस तरह से बनता है उसे क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो 25 भी एक पीरियड हो गया और 6 भी एक पीरियड हो गया। अब जैसे इसमें जैसे डिवीजन का हम मेथड लगाएंगे, तो सबसे पहले कितना से लगेगा? 6 है तो इसके इसमें 2 से लग सकता है, 2 × 2 मैक्स। जितना से हम वो करेंगे सेम ही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 × 2 से लगेगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2 × 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पर जो लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लेकिन जो यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। ऊपर से कितना हो गया? माइनस कर दिए, 6 में से 4 गया तो 2 बच गया। अब ऊपर से कितना उतरेगा? 25, क्योंकि जो पेयर बना हुआ है वही उतरेगा 25। अब कितना टाइम्स लगेगा? 5 × 5 में ऊपर से और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 5 यहाँ पर हो गया तो कितना हो जाएगा? 25 और ये हो जाएगा 2। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरा कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं? इधर जोड़ते हैं तो 0 यहाँ हो गया, ये हो गया 50। तो आपका जो स्क्वायर रूट होता है ये वाली आपकी स्क्वायर रूट वैल्यू होती है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना गया? 25। ठीक है, उसी तरह इसका भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 9604 का। तो 9604 हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। किधर से? राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर। तो पेयर किए, दो दो का पेयर बनाते हैं, 2 हुआ, कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ, तो 2 का पेयर बन गया। अब और कोई डिजिट नहीं है तो बस इतना हो गया। अब जैसे इसमें डिविजन्स का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो अब कितना में लगेगा? 96 में, क्योंकि यहाँ पर 2 का पेयर है। यहाँ पर कितना का पेयर था? सिंगल का था, इसीलिए सिंगल में लग रहा था। तो कितना मैक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 से लेस देन इक्वल टू वो रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि 9 × 9 कर सकते हैं तो 81 हो जाएगा, 10 × 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 × 9 से करना पड़ेगा तो ये कितना हो गया? 81। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पर कितना से हमने किया? 9 से, तो 9 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे? इधर माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? 5 हो गया, 1। फिर ये ऊपर से कितना आएगा? 0, 4। तो अब कितने टाइम्स लगेगा? 8 टाइम्स लगेगा। तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी कितना हो गया? 8 हो गया, 8 × 8 = 64। यहाँ 4 हो गया, 6 हाथ में रह गया, तो 8 × 8 = 64 और 6 = 70 और ये हो गया 7, 8 × 1 और 7 = 15 हो गया। तो इस साइड कितना हो गया? 6196। लेफ्ट हैंड साइड जोड़ते हैं, ये कितना इस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो गया। तो स्क्वायर रूट कितना आ गया? अंडर रूट 9604 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 98। तो इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं।